Oh,
अच्छा करे वो दुर्गा भैया, इसलिए कह रहा है और ये बच्चे की तरफ से 11 रुपया आए हैं, अदारा के भंडार भरे, इसलिए कह रहा है गौरा देव
तो हिरणी
पधारे हुए हैं 51 पत्र मुद्राएं और शर्मा पाल जी आप नयापुरवा से पधारे हुए हैं, आपकी ओर से भी 51 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है समस्त दानदाताओं से, यादव परिवार से और भी जितने परिवार यहां पर हमारे असिस्टेंट एकत्रित हैं, मैं अपने ओर से सभी का आशीर्वाद चाहता हूं कि अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे जरूर इंगित कीजिएगा, संभालिएगा, ये आप सबका परम सौभाग्य होगा। आइए माता सरस्वती की वंदना के पश्चात चलते हैं 50-50 की तरफ। आदरणीय चेतना जी ने नवंडे में 20-50 सीधे से बहुत बढ़िया गीत आपके द्वारा आया है, वाकई काबिले तारीफ है। आपकी आवाज में वो कशिश है जो कीर्तन कलाकारों में बहुत कम देखी जाती है। गीत बजाओ। बजा। के भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया।
से फूल सहे अपना रहे क्यों होनी थी या हो अनहोनी जाने से विधाता फूटे सब सिंगार गिरा कल हार टूटे हर नाता लगाई चूंकि आज शिवरात्रि का दिन है जिस हेलो जिस उपलक्ष में एक कार्यक्रम हो रहा है बहुत बढ़िया हम भी भगवान भोलेनाथ से दूर नहीं जा रहे आपने बताया पावन ये महाशिव रात रात भर शिव का करे नमन जय हो भोलेनाथ जय हो शिव का नमन वाकई लाजवाब गीत है क्योंकि गुंजाइश टीका टिप्पणी की वहां होती है जहां कुछ गड़बड़ हो जाए okay. पहला गीत बहुत बढ़िया गीत आया है प्रयास सुनिएगा आपने बताया के सुख सरिता शर्माए सुख सरिता सरसाए तो अनुकूल हुआ प्रतिकूल हुआ फिर आज की रात मिला पावन ये महाशिव रात रात भर शिव का करे नमन का करे नमन आपने दो तीन बातें बताई हैं कामदेव का नाम अनंग कैसे पड़ा भगवान शिव के काम बाण से अनंग नाम उसका पड़ता है तमाम बातें आई हैं लेकिन प्रयास आप देखिएगा कि आया है पर्व महान मान कर करता जो है भजन ये क्या बात है ये शिवरात्रि का महान पावन पर्व है और मैं मंच के माध्यम से आप सबको बता रहा हूं कि जो भी भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं उनको बहुत कुछ मिल जाता है आया है पर्व महान मान कर करता जो है भजन खिल जाए उजड़ा बाग बाग खिल जाए उजड़ा बाग बाग जो करता भक्ति सृजन आया है पर्व महान मान कर करता जो है भजन पार्वती के पति कृपांतर कृपालु कृपा निधान कणकण में वास करने वाले जगत चराचर के स्वामी घट घट के वासी अलग बम भोलेनाथ को प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं प्रभु के गागर में सागर भरते भरते गागर में सागर भरते अशुभ में शुभ की
वर्षा करते अशुभ में शुभ की वर्षा करते संकट भी है हरते सपनों में जीवन भरते तोराई से पर्वत करके अब दूसरी बात देखिएगा, आपने बताया है वो शिकारी के द्वारा शिवरात्रि का व्रत संपूर्ण हो गया। देखिए आपने शिकारी को दिखाया आदरणी चेतना जी, सुनेगा पैसे ले लो महाराज। ये परम आदरणीय बड़े भैया अनिल कनौजिया जी सरसवा से आप पधारे हुए हैं। आप भैया के द्वारा 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि ये 100 मुद्राएं नहीं है, ये तो मेरे लिए 1,00,000 के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरी बात देखिए, चित्र चित्रभानु एक शिकारी आपने बताया, आपने बताया चेतना जी, आपने बताया कि किस तरह से हिरण हिरणी और वो शिकारी का तरण तारण हुआ। देखिए मैं भी एक शिकारी बुला रहा हूं। चित्र भानु एक शिकारी क्या क्या पड़े भक्त पर किससे भक्त कहे तो तारण तारी करने वाले शिव जी का हुआ शरण। पल भर में खुश होने वाले भगवान भोलेनाथ, जब चित्र भानु नाम का वो शिकारी भगवान भोलेनाथ के दरबार में गया और वो शिकारी एक हाथ में अपने मदिरा का प्याला लिए हुए है बेस्या से मिलने के लिए जा रहा था श्रीमान, लेकिन जब वो नशे में हो गया तो उसका पैर लड़खड़ाया और वो मदिरा का प्याला भगवान भोलेनाथ के दरबार के सामने गिर गया। जब गिर गया तो शिवरात्रि का ही दिन था, भगवान भोलेनाथ ने कहा वत्स मांगो मैं क्या दे दूं। तो पल भर में खुश होने वाले दुख का किया हरण मिल जाए उजड़ा भाग भाग तो जाते बात बात वो जब करते भक्त सजल और ये इसी क्रम में परम आदरणीय रंजीत पाल जी आप लखनऊ से पधारे हुए हैं। आपके कर कमलों के माध्यम से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत
और ये एक महान और विशिष्ट आशीर्वाद हमारे आदरणीय दादाजी के द्वारा आया है। आदरणीय दादा बोधराम जी, आपके कर कमलों के माध्यम से 201 पत्र मुद्राओं का